गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 मैथ्स वर्कबुक यूनिट 2 लेसन क्वेश्चन नंबर 10 ऐड। तो यहाँ पे आपको एडिशन करने हैं, ठीक है। मैं दो एग्जांपल करता हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे। चलो, तो 9 और 2 11, मतलब 11 का 1 यहाँ पे, 1 6 और 1 7, 7 और 2 9, 91 सेंटीमीटर। ओके, 9 और 2 9, 10 11, 11 1 यहाँ पे, 1 6 और 1 7 8 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे 9 नंबर, 0 तो 0 6 3 9 6 2 8 4 5 9 98 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे 0 6 7 और 5 12 2 1 4 और 1 5 1 और 1 2, ओके 252 क्या है मीटर और 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो ये आपको होमवर्क में सबट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। एक एग्जांपल करता हूँ, 4 में से 0 तो 4 सेंटीमीटर एंड 7 में से 4 जाएंगे 3 34, ओके। आगे नंबर ये है, 0 में से 5 जाएंगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे 9 के ऊपर 8, यहाँ पे 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, 8 में से 8 जाएगा 0 और यहाँ पे 1 मीटर। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द प्रॉब्लम। नंबर 1, मनीष इज ए 150 सेंटीमीटर टॉल। मनीष कितने सेंटीमीटर टॉल है, 150। हिज सिस्टर इज 170 सेंटीमीटर टॉल, और उसकी जो सिस्टर है वो 117 सेंटीमीटर टॉल है। तो हु इज द टॉलर फ्रॉम बोथ, हाउ मच। तो क्या कहता है, मनीष 150 सेंटीमीटर टॉल है और उसकी सिस्टर उससे 170 मीटर टॉल है। तो हियर मनीष इज टॉलर देन हिज सिस्टर, नाउ मनीष हाइट माइनस हिज सिस्टर हाइट। तो मनीष हाइट कितनी है, 170, और सिस्टर की 170 सेंटीमीटर। तो 150 में से 170 माइनस करें 33 सेंटीमीटर। किसकी हाइट ज़्यादा होगी, मनीष की, किससे, उसकी सिस्टर से। क्वेश्चन नंबर 2, सुरेश इज 1 मीटर 24 सेंटीमीटर टॉल। सुरेश 1 मीटर और 24 सेंटीमीटर टॉल है। मीनल इज 50 सेंटीमीटर शॉर्टर देन हिम। अब जो उसकी मीनल है वो मनीष की हाइट से 15 सेंटीमीटर क्या है, शॉर्टर, मतलब छोटी है। तो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम, तो दोनों की टोटल हाइट कितनी होगी। तो पहले हमको मीनल की हाइट ढूंढनी पड़ेगी, किसकी हाइट ढूंढनी पड़ेगी, पहले मीनल की, फिर उसके बाद बोथ ऑफ देम, टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ, तो दोनों की हाइट का प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको सुरेश की हाइट दी है, मीनल की हाइट दी है नहीं, सिर्फ आपको इतना कहा कि 15 सेंटीमीटर शॉर्टर है वो, किससे, सुरेश से। तो 1 मीटर यहाँ पे मीटर किया है, यहाँ पे सेंटीमीटर, 1 मीटर 24 सेंटीमीटर किसकी हाइट है भाई, सुरेश की, उसमें से 15 सेंटीमीटर कौन शॉर्टर है, मीनल। तो मीनल की हाइट माइनस करेंगे तो 1 मीटर 24 सेंटीमीटर माइनस, यहाँ पे मीटर दिए नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर दिए 15, तो 4 में से 5 जाएंगे नहीं, तो 2 के ऊपर 1 हुए, 4 के ऊपर 14, 14 में से 5 हुए तो 9, 1 में से 1 गया 0 और 1 गया 1। सो मीनल हाइट इज 1 मीटर 9 सेंटीमीटर। किसकी हाइट हमको मिली, मीनल की, जो यहाँ पे दी नहीं थी, हमको सुरेश की हाइट पता थी लेकिन मीनल की हाइट पता नहीं थी, जो हमने ढूंढ ली, कितनी आई, 1 मीटर और 9 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों की हाइट कितनी है वो हम ढूंढेंगे। नाउ टोटल हाइट 1 मीटर 24 सेंटीमीटर किसकी है, सुरेश की हाइट है, और मीनल की हाइट कितनी मिली हमको, 1 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने, 1 और 1 2 सेंटीमीटर, और 24 में 9 प्लस करेंगे तो 33 सेंटीमीटर होगा, मतलब कि टोटल हाइट ऑफ बोथ ऑफ देम 2 मीटर और 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, सुनील इज गोइंग टू अहमदाबाद 25 किलोमीटर फार
फ्रॉम अ प्लेस ए नरेन इज गोइंग टू मेहसाणा 45 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेम प्लेस। ओके तो एक ही प्लेस है लेकिन सुनील एक ही प्लेस से, ये प्लेस है बीच में, देखो मैंने डॉट किया है, वहाँ से सुनील है वो कहाँ जाता है अहमदाबाद, जो उससे प्लेस से 25 किलोमीटर दूर है, और ये जो प्लेस है उससे नरेन कहाँ जाता है मेहसाणा, जो वो प्लेस है वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। मतलब कि प्लेस दोनों का एक ही है, सेम ही है, लेकिन जो सुनील है वो वहाँ प्लेस से अहमदाबाद जाता है तो 25 किलोमीटर होता है, और जो नरेन है वो प्लेस से मेहसाणा जाता है तो 45 किलोमीटर है। चलो तो सुनील इज गोइंग टू अहमदाबाद 25 किलोमीटर फार फ्रॉम द प्लेस, मतलब ये प्लेस से वहाँ से सुनील है वो 25 किलोमीटर अहमदाबाद जाता है, एंड नरेन इज गोइंग टू मेहसाणा 45 किलोमीटर फार फ्रॉम द सेम प्लेस, वही प्लेस से नरेन मेहसाणा जाता है, वो वही प्लेस से कितने किलोमीटर डिस्टेंट है उसका 45 किलोमीटर। बोथ आर गोइंग अपोजिट डिरेक्शन, वो अलग अलग डिरेक्शन, मतलब सुनील ये डिरेक्शन में जाता है और नरेन ये डिरेक्शन में जाता है। तो देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाणा, तो अहमदाबाद से मेहसाणा, ये अहमदाबाद है वहाँ से मेहसाणा का टोटल कितना होगा, तो पहले हम प्लेस पॉइंट नक्की करेंगे, ये प्लेस है ठीक है, वहाँ से यहाँ पे देख सकते हो, तो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू मेहसाणा 25 किलोमीटर प्लस 45 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर।